पॉइंट में आया। हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, 1639.8 एंगस्ट्रॉम। 1000 कितना बोल रहे हो? 1639.8 एंगस्ट्रॉम। 0.8 एंगस्ट्रॉम। और भी बनाओ कोई। सर मेरा 1214.6 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। अच्छा, और किसी का आया कुछ? कितना बोले? 1000 214.6। चलो और बताओ, दो ऑप्शन तो तुम लोग बना दिए, और तीसरा ऑप्शन कोई बताओ। सर 2733 है क्या एंगस्ट्रॉम? अब आंसर नहीं पता है मेरे को। 2000 तीसरा ऑप्शन क्या? 2700 700 706 एंगस्ट्रॉम। और बना किसी से? हेलो, बनाओगे और कोई? चलो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो क्या बोला गया है यहाँ पे। हाँ बोलो। 682 आ रहा है एंगस्ट्रॉम। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। चलो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला बताए थे तुम लोगों को, फॉर्मूला क्या था? 1 by lambda is equal to r, क्या था बताओ? 1 by lambda is equal to r z square, 1 minus 1 by n1 का होल स्क्वायर by n2 का होल स्क्वायर। यही था, बस वही फॉर्मूला यूज करना है हमको। एक्चुअली दिया क्या गया है, लैम्डा किसका दिया हुआ है हमको? लैम्डा दिया गया है हाइड्रोजन एटम के केस में दिया गया है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज का क्या हो जाएगा? n1 का वैल्यू हो जाएगा 2, ये तो फिक्स रहेगा बाल्मर सीरीज में। और n3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये r का वैल्यू देखो, ये तुम्हारा आ जाएगा कुछ, यहाँ पे पुट करोगे हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? ये r का वैल्यू, r के टर्म में ही रहने दो, ठीक है, वो देख लेंगे, r का सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। z का वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगा, होगा ना? और से हीलियम बोला ना? नहीं नहीं पहला वाला तो हाइड्रोजन का दिया हुआ है ना, हीलियम के लिए निकालना है हमको दूसरे केस में। यस ठीक है, तो वो पुट कर रहे हैं हम लोग। तो n1 का वैल्यू, n1 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, n2 का स्क्वायर करोगे 1/9 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 by lambda is equal to क्या आ गया बताओ? क्या आ गया बोलो? इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा? एलसीएम क्या आएगा? 5/36। हाँ तो ये हो गया 5/36। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 r आएगा, या फिर r निकाल लो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो r इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा ये बताओ? तो r का वैल्यू हम निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36/5 लैम्डा होगा, और लैम्डा का वैल्यू हमको पता है ना, लैम्डा दिया हुआ है, ये वैल्यू हमको पहला केस में पता है। लैम्डा 1 इसको अज्यूम कर लो, चलो इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता है।
अब सेकंड इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे ये सेम टाइप का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, 1 बाय लैम्डा 2 इसको अज्यूम करते हैं, ये निकालना है हमको और आर ही पुट करेंगे। अब इस बार किसके लिए बोला गया है हमको बताओ तो, हीलियम के लिए बोला गया है, सिंगली चार्ज देखो हीलियम एटम, तो हीलियम एटम का जेड अब क्या हो जाएगा बताओ? 4 4। हाँ हीलियम एटम का जेड 2 होता है, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए बोला गया है ना, दिख रहा है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए कैलकुलेट करना है। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कौन सा लाइन हो गया? यस सर, पहला तो हो गया 3 से 2 वाला, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? 4 से 2। यस 4 से 2 ही होगा ना, पहला वाला तो 3 से 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला 4 से 2। तो यस सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन किसका बोला गया? बाल्मर सीरीज का ही बोला गया, देख लो। तो बाल्मर सीरीज के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे N1 का वैल्यू तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा, तो 1/4 आ गया। और N2 का वैल्यू क्या हो गया? 4 का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 16। तब यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये R इंटू 4 करो और ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 3/16 हो, 3/16 आ गया, और ये 1/λ2 हो गया। अब ये 4 टाइम्स काट दो इसको, ठीक है, तो 3r/4 हो गया। इसका मतलब लैम्डा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/3r लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। तो अब लैम्डा 2 हमको निकालना है, और लैम्डा 1 का वैल्यू तो पता है हमको, तो r इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 यहां पुट कर दो। r का एक्सप्रेशन क्या था? 36/5 लैम्डा 1 था। यस सर, तो इनटू 36/5 लैम्डा 1, तो 5 लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता है, तो 5 × 4 20 हो गया। लैम्डा 1 का वैल्यू दिया हुआ, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। हां ठीक है, वो कर लो 3 × 36, बस इसी को सॉल्व कर लो, ये आएगा एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा सर, लेकिन सर r तो कांस्टेंट रहता है ना, आर कांस्टेंट है, तो आर को हम लोग थोड़ी ना मैनिपुलेट किए, हम लोग आर का वैल्यू पुट करोगे तो फिर तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, हम लोग आर को सब्स्टिट्यूट किए, आर को लैम्डा 1 के टर्म में। सो 1/r का तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं ना, 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन तुमको फिर ज्यादा पड़ जाएगा ना, वो निकालो सबसे, दोनों से वही आएगा, तुम पुट करके देखो 20 × 656 होने से सॉल्व करो, देख लो किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस उसमें तुमको मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं, तुम लोग खुद से भी बनाना इसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है हमेशा हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, पहले नोट कर लो, फिर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? हेलो, यस सर, लिख लिया ना सब लोग? यस। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये बनना चाहिए सबसे, क्वेश्चन है लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, व्हाट ट्रांजिशन in the Huygens spectrum would have this
सेम वेवलेंथ एज द सॉरी यहां पर गैप सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन एन इक्वल टू 4:2 एन इक्वल टू 2 ऑफ एच ई प्लस स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये बताना है. एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3. What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state. हेलो सर. हाँ बोलो सर. पहला का 4:1 लाइक 4:2 और सेकंड का सर 15 है क्या? देख लेते हैं, बनाओ पहले. पहला का कितना बोले आंसर? सर 4:2. 4:2 सेम जो हाइड्रोजन का है वही इसका भी होगा. जो हीलियम जो हीलियम का है वो हाइड्रोजन का सेम कैसे होगा? फिर से एक बार क्रॉस चेक करो. सेकंड का 15. अच्छा, सेकंड का 15 है और पहले वाले का?
आया कुछ क्या पहले वाले का किसी का माइनस में क्या सर आंसर माइनस माइनस में आंसर कहां से होगा तो क्या बोल रहे क्वेश्चन क्या बोला गया समझे हो पहले क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो एक मिनट रुक जाइए ठीक है एक मिनट रुक जाते हैं बताओ हुआ किसी का बताओ एक मिनट से ज्यादा हो गया सर टू होगा आंसर सेकंड वाला का आंसर टू होगा टू मतलब किस हिसाब से कोई ट्रांजिशन बताओगे ना टू से कहां तक सर टू से वन टू से वन बाल्मर सीरीज में टू से वन चलो देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे बोला गया देखो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो सर हाइड्रोजन वाला केस में भी मतलब बाल्मर सीरीज में से करना था जरूरी थोड़ी है उसमें बस ट्रांजिशन बताना था कि वो कहां से कहां तक होगा वो बाल्मर सीरीज थोड़ी बोला गया तुमको हाँ तो टू से वन में हो जाएगा चलो ठीक है देख लेते हैं चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए या कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसका वेवलेंथ जो होगा सेम होगा सर स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं सर एक मिनट अब दिख रहा Yes, sir. चलो ठीक है तब हम पहले चेक कर लेते हैं कि देखो वो बाल्मर ट्रांजिशन हम लोग लिखते हैं HE प्लस वाले का तो HE प्लस वाले का अगर लिखोगे तो वही है 1 by lambda is equal to RZ square ये था 1 by N1 का square minus 1 by N2 का square तब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो इसके लिए lambda क्या आ जाएगा 1 by lambda is equal to बोला है कि दोनों केस में वेवलेंथ क्या होना चाहिए सेम ही होना चाहिए अगर पहला का लैम्डा अज्यूम करोगे तो दूसरे का भी लैम्डा आना चाहिए ठीक है तो आर और HE प्लस जो है HE प्लस का क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखो 1/N1 है N1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये 1/4 हो गया ठीक है और N2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये 1/16 हो गया यही आ गया ये हम लोग हीलियम के लिए लिख रहे हैं क्लियर है समझ में आ रहा है ना अब यही सेम चीज बोला है कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन मतलब हाइड्रोजन के लिए ये N1 और N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि लैम्डा का वैल्यू सेम आ जाए
जो इस ट्रांजिशन में लैम्डा का वैल्यू आया है हाइड्रोजन का, कौन से ट्रांजिशन में वही लैम्डा आना चाहिए सेम, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, ये फॉर एच ई प्लस है, फॉर एच ई प्लस। हाइड्रोजन के लिए अगर लिखोगे फॉर एच एटम, तो हाइड्रोजन के लिए भी ये सेम एक्सप्रेशन लिखोगे, तो वन बाय लैम्डा, लैम्डा तो सेम आना चाहिए दोनों केस में, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो लैम्डा अगर सेम है तो चलो यहाँ आर का वैल्यू भी तो सेम ही रहेगा। अब Z हाइड्रोजन के केस में क्या होता है बताओ? वन हाइड्रोजन वन होगा तो ये वन, तो इस केस में वन आ जाएगा तुम्हारा, और ये वन बाय एन वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू, ये एन वन और एन टू तुमको निकालना। अब देखो तो इस इक्वेशन को तुम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग ताकि ये लैम्डा सेम आ जाए। तो हम लोग देखो अगर यहाँ पे इसका हम लोग फोर हटा दें, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये फोर नहीं रहता यहाँ पे, फोर की जगह अगर वन कर दें तो फिर तो सेम ये हमको, और फोर की जगह अगर वन रिप्लेस कर दें, और उस केस में जो यहाँ पे वैल्यू होगा तो एन वन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा और एन टू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, होगा ना। तब फोर को एलिमिनेट करने के लिए उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो देखो तो फोर एलिमिनेट हो सकता है क्या यहाँ से, कैसे कर सकते हैं देखो, वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू फोर। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, वन बाय फोर कॉमन आ जाएगा, देख लो तो yes, इन दोनों वैल्यूज में वन बाय फोर हम लोग कॉमन ले लिए। अब वन बाय फोर अगर कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, वन बाय वन, वन ही बचेगा, बचेगा माइनस yes, और इस साइड क्या बचेगा, वन बाय फोर बचेगा। चलो इस फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब देखो ये फोर फोर कैंसिल आउट हो गया, तो फोर फोर अगर इसमें कैंसिल आउट हो गया तो अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या, लैम्डा तुमको सेम रखना है, तो लैम्डा अगर सेम रखना है तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी वन आ रहा था, अब यहाँ भी क्या आ गया बाहर, वन आ गया, आ गया yes, sir. तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से क्या होगा, ऑन चलो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, वन और टू को जब कंपेयर करोगे तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एन वन का स्क्वायर इक्वल टू वन बोल सकते हैं हम लोग, और एन टू का स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, फोर बोल सकते हैं। बोलो यस सर, यस। बाकी सारा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब एन वन का स्क्वायर अगर वन है तो एन वन का वैल्यू हो गया वन, और एन टू का वैल्यू क्या, नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ लेंगे नहीं हम लोग, नहीं, तो यहाँ पे वन हो गया और एन टू का वैल्यू क्या हो गया टू, मतलब two. कौन सा ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए, टू से वन वाला ट्रांजिशन, तो ये वा, तो हाइड्रोजन एटम का ये वाला ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ आएगा, और हीलियम एटम का जो फोर से टू वाला ट्रांजिशन है, उन दोनों का वेवलेंथ क्या आएगा, सेम रहे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, टू से वन। कोई डाउट है किसी को, हेलो हो गया, कोई डाउट है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? सर ये कॉमन कंडीशन अगर नहीं निकलता तो उस केस में कैसे बनाते हैं? क्या बोल रहे हो सर? ये जो 1 by 4 तो कॉमन हो गया सर, अगर कॉमन नहीं निकलता तो सर कैसे बनाते हैं? क्या बोल, हेलो, कॉमन नहीं निकलता तो रेशियो लेते हैं हम लोग। हाँ हेलो, यस सर, तुमको वही, तुमको मतलब ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा वैल्यू कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग हीट एंड ट्रायल के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है yes. नहीं तो फिर yes. बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो इक्वेशन का सॉल्व करना होगा पूरा, तो तुमको ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यूज ही ऐसा दिया रहेगा जिससे कि
कुछ कॉमन आ जाएगा और उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ऐसे भी तो बना सकते थे बताओ सर, हाँ बोलो n1 स्क्वायर को सर 1 मान लेंगे और n2 स्क्वायर को अगर x स्क्वायर मान लेंगे फिर इसको सॉल्व करते करते भी तो बन जाएगा। 1 क्यों मानोगे सर, उसमें कहीं पे स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ है कि कहां से कहां लाना है, तो उससे तो 1 ही क्यों मानोगे तुम सर, तो 2 मानेंगे तो अभी बनेगा ही, भले n2 का वैल्यू कुछ और आएगा फिर नहीं आएगा सर उसमें वैल्यू, उससे तुमको वही चीज है ना, तुमको ऐसा वैल्यू दिया ही रहेगा कि वो कुछ ना कुछ कॉमन करके दोनों में तुम एक दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करके ला सकते हो, ठीक है। तो तुमको हीट एंड ट्रायल ही, एक्चुअली ये हीट एंड ट्रायल ही लगा रहे हैं हम लोग, हीट सर हम लोग को बस दोनों का वेवलेंथ ही ना सेम करना था, कहीं से कहीं का भी कर देंगे सेम तो हो ही जाता। हेलो सर, हेलो यूसुफ, हेलो सर, आवाज आ रहा है आवाज अभी? यस सर। चलो स्क्रीन दिख रहा है ना, अब बनाओ ये थर्ड वाला क्वेश्चन बनाओ। तो थर्ड आपका 15 आया है क्या? थर्ड वाले में देखो तुम अगर एक एक करके काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा n2 से लेके n1 तक, ठीक है, कोई n2 हायर एनर्जी लेवल है और n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर निकालना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अगर निकालना है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अगर पूछा जाए, या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा जाए, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख लेना। तो जनरल फॉर्मूला होता है n2 minus n1 plus 1 by 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो, ठीक है, ये फॉर्मूला बस अप्लाई कर दो, यहाँ पे n2 और n1 का वैल्यू तुमको पता रहेगा, वो पूछ दिया रहेगा क्वेश्चन कौन से ट्रांजिशन के लिए पूछा गया है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले में पुट करके, तो वहां पे पूछा किसके लिए गया था, 6 से ग्राउंड स्टेट में, मतलब n2 का वैल्यू तुमको दिया गया 6 और n1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट मतलब 1, तो पुट कर दो क्या आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 करोगे तो ये 5 आ गया, और इधर 6 माइनस 1 5 प्लस 1 तो ये 6 हो गया बाय 2, तो 30 बाय 2 करोगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, अगर दो लेवल तुमको मेंशन किया हुआ है तो उसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन या स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है तो जस्ट ये फॉर्मूला पुट कर लेना। ठीक है, हेलो, हेलो, चलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, बस ये फॉर्मूला यूज कर ले। ऐसे तुम लोग कर भी सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग, जैसे मान लो एक केस ले रहे हैं हम लोग 4 से 1 में निकालना है हमको कितना स्पेक्ट्रल लाइन है, तो फॉर्मूला से तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे कर कैसे रहे हैं, जैसे देखो ये n इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ये n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, और ये n इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब 4 से 1 पे आना है, तो 4 से 1 पे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे वही हमको निकालना है, तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे फॉर्मूला से पहले बताओ तो कितना आएगा, फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 4 से 1 पे। हाँ 4 से 1 अगर ट्रांजिशन और 6 आ रहा, कितने अच्छा 6 आएगा सर,
तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ट्रांस हो जाएंगे. अब देखो एक्चुअली हो गया सर, तो यहाँ कितने मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए. तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि 4 से 3 पे आ सकता है, फिर 3 से 2 पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है. इन तीनों केस में अलग अलग लाइन मिलेगा हमको, ठीक है. तो ये तीन लाइन तो इधर मिल गया. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 से 2 पे जंप करे, ठीक है, और 2 से 1 वाला तो एक्चुअली आ ही गया है ना. एक और लाइन क्या हो सकता है कि डायरेक्टली 4 से 1 पे जंप कर जाए. तो टोटल कितना लाइन हो गया, 3, 2, 5 लाइन हुआ है. एक और लाइन मिसिंग है, एक और लाइन कौन सा होगा बताओ. सर 2-1 सारे में हमको क्या मिलेगा, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा. सेम वेवलेंथ का कोई भी लाइन होगा क्या, सब डिफरेंट होंगे, ठीक है. तो कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी दो का वैल्यू सेम नहीं होगा. तो यही पूछा जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ये डिफरेंट ट्रांजिशंस मिलेंगे, या टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रांजिशंस इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. अलग अलग ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल हैं 4 से 1 में, तो ये 6 हो गया. तो ऐसे निकालने का कर सकते हो तुम लोग, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, n2 - n1 × n2 - n1 + 1/2, ठीक है. कोई डाउट है किसी को, बोलो. हेलो. नो. तो एक क्वेश्चन और दे रहा है, ठीक है, इसमें बताना. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. The energy of a first, second and third energy levels of a certain atom are E4E/3 and 2E respectively. A photon of wavelength lambda is emitted during a transition from 3 to 1. What will be the lambda? Yeah, what will be the wavelength? Aise likh lo. What will be the wavelength of emission from emission for 2 to 1? ठीक है, इसमें बताना है 2 से 1 के लिए क्या होगा लैम्डा के टर्म. ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है λ/2, ऑप्शन बी है λ, ऑप्शन सी है 2λ एंड ऑप्शन डी है 3λ. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी. दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? हेलो. Yes, sir. Yes, hello, bana.
सर बनेगा क्या किसी से तो थोड़ा टाइम चाहिए एक सेकंड ठीक है चलो 5 मिनट का टाइम सुनो सर 2 लैम्डा यस पता नहीं एक बार क्रॉस चेक करो अच्छे से 2 लैम्डा तो शायद नहीं है सर डी है क्या 3 लैम्डा यस शायद 3 लैम्डा है और बना किसी से क्या हेलो एक मिनट रुक जाइए सर तब से तो रुके हुए हैं यार सर 3 लैम्डा होगा 3 लैम्डा ठीक यस सर चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है 3 लैम्डा आ गया सबका आंसर जिसको डाउट है देख लो एक बार बता देते हैं हेलो यस सर यस आवाज आ रहा है ना यस सर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एनर्जी पहले वाले का एनर्जी जो है ये फर्स्ट वाले का ई है दूसरे वाले शेल का एनर्जी है 4e/3 और थर्ड वाले शेल का जो एनर्जी है ये 2e है ठीक है यहाँ पे बोला गया है कि फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1 मतलब ई ऑफ 3 से ई ऑफ 1 अगर आ रहा है ठीक है तो इसमें एनर्जी एमिट होगा और एनर्जी एमिट होगा तो उसमें कौन सा फोटोन जो एनर्जी एमिट हो रहा है या फोटोन जो एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया गया है लैम्डा
मतलब अगर एनर्जी एमिट होता है तो एनर्जी एमिट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, एच सी बाय लैम्डा पुट करते हैं ना, ये लैम्डा वन एज्यूम कर, सॉरी यार अच्छा लैम्डा ही बोला गया, तो ये लैम्डा के टर्म में ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और लैम्डा के टर्म में ही तुमको आंसर देना है। अब ई ऑफ थ्री का वैल्यू तो हमको पता है कितना है, टू ई, और ई ऑफ वन का वैल्यू कितना है, और ये हो गया एच सी बाय लैम्डा, तो इसका वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, ई के टर्म में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एच सी बाय ई, जो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा आ गया, ठीक है ये। चलो अब दूसरा जो ट्रांजिशन पूछा गया है किसके लिए पूछा गया, हमको वेवलेंथ पूछा गया है किसके लिए, सेकंड टू वन, सेकंड टू वन के लिए पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये ऐसे लिख लेते हैं, एच सी इज इक्वल टू ई इंटू लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे क्योंकि एच सी कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे, एच और सी तो उसमें भी आएगा तुम्हारा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे ई और लैम्डा के टर्म में हम लोग पुट करेंगे इसको, ठीक है। तो सेकेंड वाले में क्या बोला गया है, ट्रांजिशन निकालना है हमको टू से वन का, ई ऑफ टू माइनस ई ऑफ वन, ये क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा टू जो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ई ऑफ टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है सेकंड का, सो फोर बाय थ्री लैम्डा, फोर ई बाय थ्री ये दिया हुआ है, यस। और फर्स्ट वाले का कितना दिया हुआ है ई, ठीक है। और ये एच सी का वैल्यू अब ई और लैम्डा के टर्म में क्या पुट करोगे बताओ, एच सी का हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ई ए लैम्डा पुट कर सकते हैं, और ये लैम्डा टू हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, ये फोर माइनस थ्री ई आ जाएगा, तो ये ई बाय थ्री हो गया, और इधर हो गया ई लैम्डा बाय लैम्डा टू, तो बस लैम्डा टू तुमको यहाँ निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्या आ जाएगा ई तो कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू थ्री लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा हो गया, ये सॉरी लैम्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो सिंपल था क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या किसी को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। डाउट था, हेलो, हाँ बोलो, हाँ सर, हाँ बोलो, ट्रांजिशन हो, हाँ सर, जब ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होता है, सर उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी जो फिक्स एनर्जी चाहिए, तो उसके अलावा सर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी से उसी में ऐड होता है या फिर उसको बाहर से मिलता, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इसमें का है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी को थोड़ी ना एब्जॉर्ब करता है, तो वो सिर्फ नहीं नहीं है, ऑर्बिट का एनर्जी एक्चुअली वो कैलकुलेट करके तो बताए थे ना, ऑर्बिट का एनर्जी तो है बट वो आता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आता है, वो चार्ज अगर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो एनर्जी एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का ही एनर्जी है, ठीक है, कैलकुलेट करके तो बताए ही थे ना, जब डेरिवेशन हम लोग किए थे तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज कैलकुलेट नहीं करोगे, कंसिडर नहीं करोगे तो कोई एनर्जी आएगा क्या वहाँ, तो वो चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से ही तो एनर्जी आता है, तो ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग जस्ट ऐसे बोल देते हैं बट वो एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से करा देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, तो चलो लास्ट क्या बोलो, वो थोड़ा क्वेश्चन, हेलो क्वेश्चन, वो देखना था, आवाज नहीं आ रहा है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं इस टॉपिक का, ये बना लो, ठीक है, मतलब वोर्स मॉडल का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, एटॉमिक नंबर है जेड, ये मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई एडवांस में पूछा गया है। हाइड्रोजन लाइक
स्पीसीज एटॉमिक नंबर जेड है इज प्रेजेंट इन ए हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर एन. ठीक है, फुल स्टॉप. दिस एक्साइटेड एटम कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. साथ साथ में ही लिखते जाना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिव एमिशन ऑफ टू फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ए ट्रांजिशन to the second excited state by successive emission of two photons of energy 4.25 electron volt and 5.95 electron volt respectively. Determine value of. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लंबा है, थोड़ा बस एक बार क्वेश्चन पढ़ो. Z का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन लिख लियो सब लोग. हेलो हेलो, यस, आवाज आ रहा है ना? क्वेश्चन लिख लियो ना. यस सर. यस सर. चलो क्वेश्चन ट्राई करो. अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये जेई एडवांस में पूछा गया है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, बनाओ जल्दी. मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ट्राई करोगे हो जाएगा. जो बताए हैं इक्वेशन बस उसके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करो, अपने आप आ जाएगा.
वही डेन वाला ना बना बन रहा है किसी से क्या यस सर एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिए लो ठीक है चलो टाइम है 5 मिनट टाइम है बनाओ आराम से
हेलो यस सर यस सर बना कुछ बना सर दो इक्वेशन मिल गया सॉल्व कर हाँ हाँ दो इक्वेशन मिल चुका है ठीक है सॉल्व करो हेलो सर टू और थ्री आर हेलो हेलो यस सर सर हेलो आवाज आ रहा है सर अरे नेटवर्क का इशू चलो ठीक अब बता देना हो गया ट्राई कर लिया तुम लोग सर 2 और 3 है क्या आंसर 2 और 3 किसका वैल्यू 2 और किसका वैल्यू 3 बोल रहा हूं यहां तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना है z का वैल्यू कितना आया z के लिए तुमको n निकालना ही होगा बिना n निकाले z आएगा नहीं तो दोनों कर सकते हो या एक ही निकालना है एक z निकालने के लिए तुमको n आना ही चाहिए कितना आया है दोनों का वैल्यू बता दो n का वैल्यू कितना आया सर मेरा 6 आया n n का वैल्यू 6 और z का वैल्यू अभी निकाल रहे z का वैल्यू 3 ठीक है चलो देख लेते हैं जिससे नहीं बनाया एक बार ट्राई कर सिंपल सा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन पढ़ो पहला कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो मतलब वो हाइड्रोजन तो है नहीं ठीक है हाइड्रोजन के जैसा स्पीसीज है उसका z दिया हुआ है एटॉमिक नंबर z है और वो हायर एक्साइटेड स्टेट में कोई एक्साइटेड स्टेट n दिया हुआ है और वो n से जंप कर रहा है कहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो n2 हायर वाला ये n दिया हुआ है और n1 क्या हो जाएगा इस केस में बताओ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 इक्वल टू 2 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 हो गया ना 1 कैसे 1 तो ग्राउंड स्टेट हुआ n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट हुआ बताए तो थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 हो गया तो ये n से 2 पे जंप कर रहा है तो उसको कितना एनर्जी एमिट करना पड़ रहा है देखो तो उसके लिए उसको 2 फोटोन सक्सेसिवली एमिट करना पड़ रहा है कौन-कौन सा 2 फोटोन है एक फोटोन का एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे का एनर्जी कितना है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में मतलब टोटल मिला के उसको कितना एनर्जी एमिट करना पड़ रहा है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
कहां से कहां तक जंप करने के लिए, एन से टू पे जंप करने के लिए, मतलब एन से टू पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके लिए टोटल एनर्जी इन्वॉल्व कितना है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हेलो, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? चलो अब देखो, अब इक्वेशन क्या बताए थे कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का होल स्क्वायर, ये था इक्वेशन। अब यहाँ पे एनर्जी के टर्म में हमको लाना है, तो एनर्जी के टर्म में लाना है तो एनर्जी के टर्म में क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ? तो ये जो एनर्जी होता था यहाँ पे क्या था, एच सी बाय लैम्डा पुट कर देंगे, यहाँ पे एच सी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो अगर एच सी इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी एच सी से तुमको मल्टीप्लाई करना होगा, करना होगा ना। देखो अब ये आर जेड स्क्वायर, और इस केस में एन वन का वैल्यू कितना है, टू है, तो टू का स्क्वायर करोगे फोर, और एन टू का स्क्वायर कितना है, एन टू है एन, तो यहाँ पे एन। ठीक है, और इस केस में जो लैम्डा वन है, चलो इसको लैम्डा वन ही अज्यूम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या बताओ तो? हेलो बोलो। नो सर। नहीं है डर। अब इसमें देखो, इस ट्रांजिशन में ये एच सी वाला लैम्डा क्या बताएगा, एनर्जी तो बताएगा ना कि उस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी टोटल इन्वॉल्व है, और ये एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं क्या, टोटल एनर्जी कितना इन्वॉल्व है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग एच सी वाला लैम्डा, ये टोटल एनर्जी ही बता रहा है, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस साइड क्या बच जाएगा, एच सी आर जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/N2 का स्क्वायर, सॉरी 1/N का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन इसी तरह बनाओ। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया है कि सेम एटम जो है वही एटम जो है सेम एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जंप करता है, मतलब N से वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब N से अब 3 पे वो जंप करेगा, और 3 पे जंप करने के लिए उसको कितना फोटॉन्स टोटल खर्च करना पड़ रहा है, कितने फोटॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका एनर्जी दिया हुआ है, एक 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और दूसरा 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब N से उसको 3 पे आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल लग रहे हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। तो इसके लिए सेम इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी इसका है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आ जाएगा एच सी, यहाँ भी आएगा इस इक्वेशन में भी, और ये आर इंटू जेड स्क्वायर क्योंकि एटम सेम है। अब यहाँ पे एन वन इस केस में चेंज हो जाएगा, एन वन अब कहाँ आ रहा है, एन वन ये थर्ड पे आ रहा है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन वन का वैल्यू अब 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और हायर एक्साइटेड स्टेट तो वही है एन स्क्वायर ही है ये। चलो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो बस दो इक्वेशन तो आ ही गया और एक ही अननोन है यहाँ पे, सॉल्व नहीं कर लोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1/2 1/2 आ जाएगा आंसर। देखो 1/2 करो, दो इक्वेशन है दो अननोन है, एक जेड भी अननोन है और एन भी अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करो, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है आ जाएगा आंसर, देखो क्या रहा है, डिवाइड करोगे देखो क्या हो जाएगा, इधर आ गया तुम्हारा 27.2 डिवाइडेड बाय 10.2 आ गया ना, और यहाँ एच सी आर और जेड स्क्वायर ये सब तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, है ना। हेलो। यस सर। एच सी आर और जेड स्क्वायर ये दोनों तो ऊपर नीचे दोनों का सेम ही रहेगा, तो वो कैंसिल आउट ही हो गया, और वो ऊपर क्या बच गया इसका 1/4 माइनस 1/N² और बाय 1/9 माइनस 1/N². चलो यहाँ तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके पहले n का वैल्यू निकालो फिर उसके बाद z का वैल्यू आ जाएगा, तो पहले n सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो जो कर लियोगे n का वैल्यू आ जाएगा 6, देख लो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 6, और n को अगर पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में n का वैल्यू अगर पुट कर दोगे
उसके बाद z कैलकुलेट करोगे तो z आ जाएगा 3, तो यही आंसर है। ठीक है, n का वैल्यू हो गया 6 और z का वैल्यू हो गया 3। तो कौन से एलिमेंट का एटम होगा बताओ, तो z अगर 3 है तो लिथियम। लिथियम और लिथियम का कौन सा स्पीसीज होगा? लिथियम लिथियम 3 प्लस हाइड्रोजन स्पीसीज। लिथियम 3 प्लस या लिथियम 2 प्लस? सर लिथियम 2 प्लस। लिथियम 2 प्लस Li 2 प्लस है, क्योंकि बता चुके हैं बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है देख लो एक बार अच्छे से। ये इस टाइप के क्वेश्चन तुमको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जेई मेंस में नहीं, जेई मेंस में भी तो आप इंटीजर आने लगा तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बोर्स मॉडल का और भी बुकलेट मिला है तुम लोगों को, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बोर्स मॉडल तक जितना भी क्वेश्चंस है सारा प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास से देखो इसमें ड्यूअल नेचर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर ये बताए थे, ड्यूअल नेचर मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो वो रेडिएशन के फॉर्म में ही होता है। अब रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है तो इसका भी दो नेचर आएगा, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उसको पार्टिकल की तरह अज्यूम किया था और बहुत सारा वेव की तरह अज्यूम किया था। तो अलग अलग इसमें पढ़ना है, तो पहला इसमें पढ़ेंगे ये एक बार देख के रखना तुम लोग एनसीईआरटी से। ठीक है, एक है डी ब्रॉय इक्वेशन या डी ब्रॉगली है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका डी ब्रॉय होता है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, डी ब्रॉय का इक्वेशन है और दूसरा जो है एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये सब एक बार पढ़ के रखना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाँ बोलो सर, ये सब जो वेलोसिटी और ये सब का फॉर्मूला है वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, जितना भी बोर्स मॉडल का जितना भी कैलकुलेशन किया गया है वो हाइड्रोजन के लिए ही किया गया है या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही वैलिड होगा, बता तो चुके हैं वो पहले ही। तो सारा कैलकुलेशंस भी उन्हीं लोग का कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे देखो ये लिथियम के लिए अप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, Li 2 प्लस के लिए अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि Li 2 प्लस में मतलब दूसरे एटम पे भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन उसके न्यूट्रल एटम पे अप्लाई नहीं होगा, उसके स्पीसीज पे अप्लाई होगा। मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए बस, तभी दूसरे एटम पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यस। चलो, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो देख लो, कोई डाउट है अभी आज जितने भी क्वेश्चंस कराए डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये तुम लोग एक बार पढ़ के रखना। ठीक है, डी ब्रॉय का इक्वेशन, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसमें एक और है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तीसरा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इन तीनों के बारे में एक बार एनसीईआरटी है ना तुम लोगों के पास? हेलो, यस। तो इसके बारे में एक बार पढ़ के रखना, सिंपल है, मतलब ये दोनों तो सिंपल ही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको हम लोग को डिटेल में नहीं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये इक्वेशन, तो ये तो बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना है, ये दोनों कैलकुलेटिव पार्ट से इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक बार इसको देख के रखना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट है आज के ये जितने भी क्वेश्चंस कराए, कोई डाउट है तो बताओ, है क्या किसी को? हेलो, नो सर। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के रखना और क्वेश्चंस बोर्स मॉडल तक का बना लो तुम। ठीक है, बोर्स मॉडल तक का बुकलेट से बना लेना क्वेश्चन, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का।
ठीक है, अभी जितना टाइम मिलता है अभी प्रैक्टिस करते जाओ एक एक चैप्टर का, बाद में छोड़ोगे तो बाद में कभी नहीं होता है, चैप्टर वाइज साथ साथ ही करते जाओ, ठीक है। Yes. चलो फिर एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम लोग।